फ्रेंड ये मेरे बैग पे आप देख सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार है और यहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बेनज़ीर के फादर थे जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं उनका भी मज़ार है यहाँ आप देख सकते हैं बैग पे। बाकी कोशिश करते हैं इनसाइड भी आपको थोड़ा दिखा दूँ। तो ये है गढ़ी खुदा बख्श जो कि है लाड़काना से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है और ये फरहान मेरे साथ हंसते हुए नज़रें इनकी थोड़ी इधर उधर भी घूम रही हैं आप समझ सकते हैं क्यों। फ्रेंड्स ये जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो है आखिरी आरामगाह उनकी जो है मज़ार है जिसे आप देख सकते हैं और ये बेनज़ीर भुट्टो की आपको मज़ार नज़र आएगी जो पाकिस्तान की जो है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। ये फ्रेंड्स बैक पे देख सकते हैं नेशनल आईडी कार्ड का एक मतलब बनाया हुआ है इन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए वो आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा। इसमें जो उर्दू में जैसा लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ इनका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फादर नेम सर शाहनवाज अली भुट्टो एड्रेस प्राइम मिनिस्टर हाउस डेट ऑफ बर्थ लिखी है 5 जनवरी और 1928 5 जनवरी और आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ इसके मॉल ऑन द हेड। तो फ्रेंड ये हेलीपैड है यहाँ पे जो है मेरा हेलीकॉप्टर उतरता है मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे जो है आसिफ अली जरदारी या जो है बिलावल भुट्टो या जो भी आते हैं यहाँ पे तो उनका जो है मतलब फैमिली से रिलेटेड जो भी लोग आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर में अगर आते हैं तो ये हेलीपैड बनाया हुआ है और ये पीछे आप मज़ार देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया हम आए थे बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे तो मेरे साथ जैसे मेरे कज़न और मेरे फ्रेंड ये सब अब हम लोग आगे निकलेंगे।
आप ब्रिज देख सकते हैं जो कि जिससे हम अभी क्रॉस करके भी आए थे। बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही ब्रिटिश के दौर की ये ब्रिज है और लैंसडाउन ब्रिज इसको कहते हैं। इसके साथ ही सिंधु दरिया भी है, सिंधु नदी भी है। थोड़ा जाता हूँ दोबारा से करीब से इस ये दूसरी साइड पर। हमारे ये फ्रेंड्स सिंधु नदी, ये दूसरा किनारा है, उसके किनारे पर आ गया हूँ मैं सिंधु नदी के। गाड़ी आए, एक फोटो कटा ना मैं बेड़ी। पकोड़े लिए शक्कर के, अभी गाड़ी में बैठ के खाएंगे, फिर आगे अब लाड़काना पर जा रहे हैं वापस। ये देख रहे हैं काफ़ी बिजी एरिया है, काफ़ी बिजी और रेलवे ट्रैक है ये, और आप देख सकते हैं बैक से रेलवे ट्रैक, काफ़ी रश एरिया है भैया। यार ये तो समोसा दे दिया तुमने, पकोड़े तो दिखाओ शक्कर के, हम पकोड़े तो देखें कौन से है। ये पकोड़ा नाट यहाँ है, पकोड़ा पकोड़ा किधर है यार, हमको दिखाओ लाड़के। ये लाड़का ना तो चाह शक्कर के पकौड़े, ये सारे भाई टूट पड़े क्योंकि खाना हम खाया नहीं सही से, बल्कि खाया ही नहीं है, अचार पे गुजारा था, खटाण रेडी खा रही है, भूख ही मरी। अचार और कुल्फी, अचार और कुल्फी पे काम चल रहा था, अब जो है पकौड़े। मैं घर में खाते क्या मजाक पकड़े, मजाक हाँ लाड़काना में बहुत बारिश है क्या, मुख्य ना तो लगे मजा कर लो, या तो हिते भी तो फर्क हो जाए, लो परे भी ना है लाड़कानों में। शक्कर से जा रहे हैं हम लोग लाड़काना की तरफ और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा के भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, आराम आराम से बोलो, चलो चलो आराम आराम से, फिसलन भी ज़्यादा हो गई ना, बाइक वाले भी आगे जा रहे हैं, थोड़ा एहतियात। इस नजारो दिसो इन में बबलू एडे दिस दादा तो मारे में देखो देखो प्रोग्राम की बंद क्यों हो तो झट खत्म भी तो है ना, ब्याह थी तो ब्याह थी हां हां कट थी ये बन है ना साइड, ये पहले वो साइड तो बने फ्रेंड्स। ये है दिलीप स्वीट्स, लाड़काना की काफ़ी फेमस मिठाई है, और ये नारियल की भी मिठाइयाँ हैं और उसके अलावा पेड़े भी होते हैं और काफ़ी फेमस है, तो ये घर के लिए लेनी थी तो मैंने ये भी ले ली।
खाना में पूरी। ये बिल्ली देख सकते हैं दोस्तों, पर्शियन है ना, पर्शियन कैट बिल्ली, पर्शियन कैट ये देख सकते हैं, पर्शियन पर्शियन। हाँ ये मेरे कज़न ने पाली है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। छाती का है नंजा, फीड फीड दिया, ये कैट फीड अपने खा रही है। इसका डिनर का टाइम हो गया है तो ये खा रही है अभी, खा ले तो फिर इनके साथ एक सेल्फी लेते हैं भाई, वेट करना पड़ेगा मोहतरमा खा लें जब तक। दिल मेरा भी कर रहा है मैं भी खा लूँ इसके साथ ना। ये इसकी फीड है मियो, मियो के नाम से है, देख रही है मुझे कि खा ना जाए सारी। ये देखें मुझे देख कैसे रही है कि मेरी फीड खा ना जाए। ये देख हिंदी झोलिया में बाहर आता ना, लेकिन अब मुझे बिल्ली है ना। हम लोग इस वक्त हाईवे पे रुके हुए हैं और यहाँ पे मतलब जो हाईवे पे छोटे छोटे वो केबल लगे होते हैं, तो ये एक मिठाई है, कितने लेंगे? क्यों ले लेना ना, सही है, क्या हो गया? आधा किलो ले लो, अपने ले लो, साढ़े आधा किलो दो, बोले आधा किलो में ले लेना, थोड़ा खा लेंगे आप। ये है मावा है, मिठाई एक तरह की, ये हम लोग ले रहे हैं और इस वक्त हाईवे पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे, और ये है मावा। और ये जो देखते हैं अभी इस वक्त ये बना नहीं रहे, लेकिन बनाने का इनका तरीका ये होता है, ये आप देख सकते हैं इस चीज़ में ये बनाते हैं मावा जो इसमें तैयार किया जाता है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में बना तो नहीं रहे, पहले ही बना चुके हैं। पीछे आप खेत भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप खेत वगैरह पीछे। तो यही है कि भाई कोशिश करता हूँ कि बस तो आपको चीज़ें डिफरेंट दिखाऊँ। ये हाईवे पीछे आप देख सकते हैं ट्रक वगैरह जा रहे हैं, तो एक कोशिश है कि कुछ ना कुछ रास्ते में जो भी चीज़ें ऐसी हैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। कुछ लोगों के लिए तो ये नॉर्मल चीज़ें होंगी, कुछ को इंटरेस्टिंग भी लगती होंगी ज़रूर। ये सर दूध से बना रहे हैं, दूध से बनाते हैं, और दूध के अलावा चीनी और इलायची डालते हैं, चीनी और इलायची डालते हैं। अच्छा दूध से भाई बनता ही है और चीनी और इलायची डालते हैं, कितने टाइम में तैयार होता है? एक घंटा लग जाता है, एक घंटा लग जाता है। हाँ तो भाई मावा टेस्ट करते हैं, खोया भी बोल सकते हैं इसको, मतलब एक तरह से हवा का ध्यान। तुम लोग कालो में आगे लगते चक्कर, वैसे मेहड़ का मावा बड़ा मशहूर है, मेहड़ एक एरिया है मेरा गांव है वो भी। इसके अलावा भी मैं गया था थर पार्कर नगर पार्क, वहाँ वीरावा एक जगह थी, वहाँ का मावा भी खाया, ये भी अलग ही है, काफ़ी टेस्ट है। आप देख सकते हैं तो भाई हम खाते हैं, तब तक आप जो है मेरी दूसरी वीडियो देखो।